सो का स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट जैसे हमने बात की इट्स सिंपली मेयर्स हाउ वेल द ऑब्जर्व डेटा फिट टू द एक्सपेक्टेड डेटा दैट इज़ इन द नाल हाइपोथिस और काय uh, स्क्वायर अब हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे ताकि हमें समझ आए वैसे तो वी कैन डू इन एस पी एस एस विद वन क्लिक बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि काय स्क्वायेयर क्या है और कैसे हम एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज लेकर के आते हैं तो सिंपली द फॉर्मूला फॉर द इज एफ़ ओ माइनस एफ ई यानी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज़ में से हम एक्सपेक्टेड माइनस करेंगे उसको डिवाइड करेंगे अगेन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज से स्क्वायर करेंगे एंड दैट विल बी द कैलकुलेट वैल्यू फॉर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर द का स्क्वायर और काई स्क्वायर टेस्ट में जैसा हम पहले ही बात की पहला स्टेप है हम अपनी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथसिस बनाते हैं और हम देखते हैं कि हम हाइपोथसिस बनाना चाह रहे हैं नो uh, प्रेफ्रेंस no का या फिर नो no का Uh, अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं और उससे बाद हमारा स्टेप होता है कि हमने डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम कैलकुलेट करनी होती है जिस तरह हम पैरामेट्रिक में भी करते हैं सो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट के अंदर हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का तरीका सिंपली सी माइनस वन यानी हमारी कैटेगरीज माइनस वन तो अभी हमारी जो पिछली एग्ज़ाम्पल थी एक्सरसाइज वाली कि कितना करते हैं तो उसका अगर हम लें तो हमारी थ्री कैटेगरीज़ थी तो थ्री माइनस वन का मतलब है कि हमारी टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी उसके बाद अगला स्टेप हमारा नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव के बाद डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम कैलकुलेट करने के बाद हम क्रिटिकल वैल्यू टेबल में से देखते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसा हम टी uh, और एफ़ की देखते थे सो का स्क्वायर के अंदर हमारी क्रिटिकल वैल्यू ये आपका ग्रवेटर की बुक के अंदर ही एंड पे आपके अपेंडिस में टेबल दिया हुआ है काई uh, स्क्वायर का अपेंडिक्स बी के अंदर और इसके अंदर हम डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम से करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं फर्स्ट करें यहाँ पे हमने जो आगे एग्जाम्पल सॉल्व करनी है Um, उसकी डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम थ्री है और उसको हम अल्फा पॉइंट जीरो फाइव पर चेक करेंगे तो दिस इज़ द क्रिटिकल टेस्ट वैल्यू सेवन पॉइंट एट वन आपने याद रखनी है तो so हम डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम के मुताबिक और अल्फा लेवल के मुताबिक अपनी टेबल वैल्यू देख लेंगे और उसी टेबल वैल्यू से फिर हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू कंपेयर करते हैं सो हेयर द एग्जाम्पल दैट वी विल बी सॉल्विंग अ साइकोलॉजिस्ट सिलेक्टेड एन एब्सट्रैक्ट पेंटिंग दैट हैड नो टॉप और बॉटम Hangers were placed on the painting so that it could be hung with any one of the four sides at the top. The painting was shown to a sample of 50 participants, and each was asked to hang the painting in the orientation that looked correct. The following data indicate how many people chose each of the four sides to be placed at the top. So we have to categories hain four. Uh, जिन्होंने टॉप साइड को ऊपर रखा जिन्होंने बॉटम साइड को ऊपर रखा जिन्होंने लेफ्ट साइड को ऊपर रखा या राइट साइड को ऊपर रखा और ये हमारे पास जो डेटा दीज आर द फ्रीक्वेंसीज सो आउट ऑफ फिफ्टी पार्टिसिपेंट्स एटीन ऐसे थे जिन्होंने सही उसको हैंग किया यानी टॉप साइड को ही ऊपर हैंगर के रखा और सेवनटीन पीपल जिन्होंने बॉटम को ऊपर कर दिया सेवन पीपल जिन्होंने लेफ्ट साइड को और एट पीपल जिन्होंने राइट साइड को अप कर दिया सो इसके बाद हमारा अगर ये ऑब्जर्व फ्रिकुनसीज थी नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग अल्टरनेटिव हमारे नल हाइपोथिस की कैटेगरीज क्या थी सो हमारा नल हाइपोथिस ये कह रहा है कि इन जनरल पॉपुलेशन देर इज़ नो प्रेफरेंस फॉर एनी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नो प्रेफरेंस का मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी फ्रीक्वेंसीज इन ईच कैटेगरी दस द फोर पॉसिबल ओरिएशन आर सेलेक्टेड इक्वली ऑफन एंड द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हैज द फॉलोइंग प्रोपोर्शन सो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज एज पर नो प्रस हाइपोथसिस वुड भी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट शुड फॉल इन ईच ऑफ द कैटेगरी और हमारा अल्टरनेटिव हाइपा बनेगा कि जनरल पॉपुलेशन वन और मोर ऑफ दरिएंटेशन इज प्रेफर्ड ओवर द अदर सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसी को हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी हैं और फिर हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं ये सो so, हमारी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज जो थी एटीन सेवनटीन सेवन एंड एट थी और अब वो कह रहा है कि इक्वल प्रेफरेंस का मतलब है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट तो हमने आपको बताया कि एफ़ ई निकालने के लिए परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एन के साथ और हमारा एन फिफ्टी है राइट तो ये हमारा आ जाएगा फिफ्टी बाई टू एंड ट्वेल्व पॉइंट फाइव हमारा एफ़ ई आ जाएगा राइट अब हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ ट्वेल्व पॉइंट फाइव ऑफ कोर्स इट विल बी सेम फॉर ईच क्योंकि हमने कहा है कि इक्वली हर एक कैटेगरी में होगी तो दिस इज आर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अब हमारा काय स्क्वायर का फॉर्मूला ये कहता है कि हम ऑब्जर्वड में से एक्सपेक्टेड माइनस करें उसको स्क्वायर करें और फिर उसको एफ ई पे डिवाइड करें सो so, हम क्या करेंगे एटीन माइनस एक्सपेक्टेड हमारी है ट्वेल्व पॉइंट फाइव इसको हम स्क्वायर करेंगे और फिर हम उसको ट्वेल्व पॉइंट फाइव से ही डिवाइड करेंगे अगर आप अपना मैथ करें तो हमारी आंसर्स आएंगे आपका आंसर आ जाएगा ये कैलकुलेट करके टू पॉइंट फोर टू सो आप हर एक के लिए कैलकुलेट कर लेंगे टू पॉइंट फोर टू है इसमें हम 17 माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव और इसका ऊपर का स्क्वायर सिर्फ लेना है हमने और डिवाइड करना है फिर हमने इसका आंसर निकालना है दैट वी वन पॉइंट सिक्स टू इसी तरह आप कर लें सेवन माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव इज इक्वल टू टू पॉइंट फोर टू एंड देन द लास्ट वन इज़ अगेन वन पॉइंट सिक्स टू और हमारी का स्क्वायर का मतलब है वैल्यू का एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वेयर एफ ई और समीशन तो अब इसका सम ले लेंगे हम विच विल भी इक्वल टू जमा करेंगे तो एट पॉइंट ज़ीरो एट आ जाएगा सो so ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास फोर कैटेगरीज़ हैं सी माइनस वन विच इज़ फोर माइनस वन विल भी इक्वल टू थ्री और हमने काय स्क्वेयर की कैलकु टेबल वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू देखी थी पीछे जो मैंने आपको बताई थी कि आपने याद रखनी अल्फा पॉइंट जीरो फाइव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थ्री के ऊपर दैट वाज सेवन पॉइंट एट वन और हमने नल हाइपोथेसिस बनाया था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और अल्टरनेटिव था कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे अब हमारी जो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है दैट इज एट पॉइंट जीरो एट सो एट पॉइंट जीरो एट इज ग्रेटर देन सेवन पॉइंट एट वन जिसका मतलब है कि अगर हमारी ग्रेटर वैल्यू है कैलकुलेटेड बिल्कुल उस तरह जैसे हमने पीछे टेस्टिंग हाइपोथेसिस पढ़ी है इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू इसमें मतलब है कि हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं और अगर सिग्निफिकेंट हैं तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड सो इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसीज एंड सिंपल और फॉर्मूला में प्लग इन करके आपने वैल्यूज निकाल लेनी है सो so, काइसको टेस्ट जो है गुडनेस ऑफ पेट इट इज वेरी मच क्लोजली लिंक्ड विद द टी टेस्ट जो हमने किया था पैरा के अंदर सो so, अगर आपने पैरा सिंगल सैम्पल टेस्ट है करना लेकिन उसकी जम्शन मीट नहीं हो रही और यू वॉन्ट टू स्विच टू द नॉन पैरामेट्रिक तो द बेस्ट अल्टरनेटिव कुड बी काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्योंकि दोनों टेस्ट जो हैं वो सिंगल स्टेटेड वैल्यू के अगेंस्ट चेक करते हैं uh, जैसा टी टेस्ट में हमारे पास एक टेस्ट वैल्यू होती है उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जर्व डेटा उसी तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा सिमिलरली का स्क्वायर के अंदर भी हमारा नल हाइपोथेसिस में स्टेटेड प्रोपोर्शन जो होता है उसी को हम टेस्ट करते हैं कि क्या ऑब्जर्व डेटा में भी उसी तरह का आ रहा है कि नहीं आ रहा और फ़र्क सिर्फ वैसे ये होता है कि आ, हमारे पास टी टेस्ट के अंदर डेटा क्वान्टिटेटिव इंटरवल रेशो स्केल होता है जबकि हमारा काई स्क्वायर के अंदर नोमिनल ऑर्डिनल स्केल के ऊपर हमारा डेटा होता है um, ऑन द अदर हैंड इफ द इंडिविजुअल्स इन द सैंपल आर क्लासिफाइड इनटू नॉन अमेरिकल कैटेगरी और नॉमिनल ऑर्डिनल ये वही बात है कि टी टेस्ट में हम कब कब टी टेस्ट की जगह हम स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट यूज़ करेंगे जब हमारा डेटा जो है वो नॉमिनल uh, ऑर्डिनल के ऊपर है और क्वालिटेटिव um, डेटा है तो फिर हम नेचुरली उसको काईस्क्र गुडनेस ऑफ फिट के तहत uh, चेक करेंगे